नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के नव नियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत समारोह भाजपा श्योता विधायक ज्ञान तिवारी के आवास रेउसा पर किया गया। कार्यकर्ताओं का स्वागत एवं सम्मान विधायक ज्ञान तिवारी ने किया। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं की बदौलत विश्व की नंबर एक पार्टी बन गई है। कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए सभी तत्पर हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा में ही कार्यकर्ताओं का सम्मान है। देश के गृह मंत्री एवं पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बूथ अध्यक्ष के पद से भाजपा में जुड़े रहे। काम करते करते वह गुजरात के गृह मंत्री और संगठनात्मक दृष्टि से 2014 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी, साथ ही देश के गृह मंत्री हैं। भाजपा परिवारवाद की राजनीति ना करके विकासवाद एवं भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के प्रति संकल्पित है। भाजपाइयों के स्वागत सम्मान समारोह में श्योता विधानसभा के चारों मंडल के मंडल अध्यक्ष एवं पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि लोकेश मिश्रा ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 350 से ऊपर सीटें प्राप्त कर पुनः सरकार बनाने जा रही है। साथ ही पुनः योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिन रात एक कर पार्टी को मजबूत करने में अपनी ऊर्जा लगा रहे कार्यकर्ता और पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। मोर्चे के विधानसभा प्रभारी और जिला मंत्री दीपक मिश्रा ने आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए भाजयुमो पदाधिकारियों से रूबरू हुए। इस दौरान रामेंद्र शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हुए अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए तत्पर है। इस मौके पर जहांगीराबाद मंडल अध्यक्ष रामू चौरसिया, जहांगीराबाद मंडल मीडिया प्रभारी संतोष वर्मा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, दीपक मिश्रा, ज्ञानेश शुक्ला, रामेंद्र शुक्ला, लवकुश तिवारी, धीरेन्द्र मिश्रा, पवन मिश्रा, रामू चौरसिया सहित समस्त भाजयुमो के कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए संतोष कुमार वर्मा की रिपोर्ट। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। विधानसभा के युवा मोर्चे की इस मंडल की बैठक में उपस्थित हमारे जिले के मंत्री भाई दीपक मिश्रा जी, जिले के सोशल मीडिया के प्रभारी भाई ज्ञानेश जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई लोकुश तिवारी जी, धीरेन्द्र जी, रामू जी, पवन जी, इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाई अवधेश चौहान जी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भाई लोकेश जी, भाई रामू जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष संजय कुशवाहा जी, सभी सम्मानित मंडल के उपाध्यक्षगण, महामंत्रीगण, मंत्रीगण, कोषाध्यक्षगण एवं सभी साथियों, मैं आप सभी लोगों के हृदय की गहराई से बधाई देता हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूँ। आपको मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं। इस प्रांगण में बैठे हुए हम लोगों में से हमारे विधानसभा का प्रतिनिधित्व करें, हमारे ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करें, हमारे जिले का प्रतिनिधित्व करें और जिस तरीके से काम करते करते स्वर्गीय राजेंद्र गुप्त जी आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रदेश का भी नेतृत्व किया और मंत्री के रूप में भी काम करने का जनपद सीतापुर में अवसर मिला। ऐसा हमारा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे बूथ पे काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसके जीते जागते उदाहरण हमारे वर्तमान समय के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। गुजरात में बूथ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम शुरू किया था युवा मोर्चे में और बूथ अध्यक्ष बनने के बाद गुजरात में गृह मंत्री बने, उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और आज गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और वो काम करके उन्होंने ये लोहा जता दिया कि आजादी के 75 वर्षों में जो काम नहीं हुआ था धारा 370 को हटा करके।